Hello everybody and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is Pratyaksha Devedi and in electoral politics chapter we will be starting with nomination of candidate. तो अभी तक हम वोटर लिस्ट पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या हो सकती हैं वो पढ़ चुके हैं. अब हम देखते हैं कि किस तरह से कैंडिडेट्स नॉमिनेट होते हैं. ठीक है, We noted above that in a democratic election, people should have a real choice. ये तो भाई बेसिक है डेमोक्रेसी का, जो हम पढ़ते आ रहे हैं ना जाने कितने सालों से, कि डेमोक्रेसी में बेसिक क्या होता है, दैट पीपल शुड हैव द राइट टू वोट एंड इलेक्ट. दिस हैपेंस ओनली व्हेन देयर आर ऑलमोस्ट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीवन टू कॉन्टेक्ट एंड टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन. मतलब आप और मैं भी अगर एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे स्टैंड होते हैं, तो हम भी जाके इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं. ओके, दिस इज व्हाट आवर सिस्टम प्रोवाइड्स, एनीवन हु कैन बी अ वोटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं कि जो वोट कर सकता है वो इलेक्शंस में खड़ा भी हो सकता है, वो एक कैंडिडेट भी बन सकता है. द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बी द कैंडिडेट द मिनिमम एज इज 29. अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं हम, तो हम इसको पॉइंट्स में मार्क कर लेते हैं. जैसे कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 25 साल. ठीक है, व्हाइल इट इज ओनली 18 इयर्स फॉर बीइंग अ वोटर. एक वोटर बनने के लिए हमें 18 साल का होना जरूरी है, बट एक कैंडिडेट बनने के लिए जो इलेक्शंस में खड़े हो, हमें 25 साल का होना इंपॉर्टेंट है. देयर आर सम अदर रेस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स एटसेट्रा. वो बात अलग है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में ये सिर्फ ऑन पेपर्स है, वरना देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल विद क्रिमिनल चार्जेस जो कि मस्त मज़े में एकदम एज अ कैंडिडेट खड़े होते हैं. बट स्टिल बट दीज अप्लाइज इन वेरी एक्सट्रीम केस. पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स हु गेट द पार्टी सिंबल एंड सपोर्ट. ओके, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो ही नॉमिनेट करती हैं अपने कैंडिडेट्स को कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडिडेट हैं हमारी, ये उस पर्टिकुलर एरिया पे उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ेंगी और इन्हें सिंबल मिलेगा वहाँ पे हमारी पार्टी का, तो ये रिप्रेजेंट वहाँ पे करेंगे या करेंगे हमारी पार्टी को. पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब आजकल क्योंकि धीरे धीरे चुनाव का माहौल बढ़ता जा रहा है, तो आप ये सुनते रहते होंगे न्यूज़ में कि भाई इनको टिकट मिल गया, यहाँ से इनको टिकट मिला है, वहाँ से उनको टिकट मिला है ना. यहाँ से उन्हें टिकट मिल गया या इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें टिकट मिला. तो टिकट का मतलब क्या होता है, उस टिकट का मतलब यही होता है, पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट. हर वो इंसान जो कॉन्टेस्ट करना चाहता है एक इलेक्शन में हैज टू फिल व्हाट, अ नॉमिनेशन फॉर्म. ओके, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4 कि हर वो इंसान जिसे खड़ा होना है इलेक्शंस में, उसे एक नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा. ठीक है, और उसके बाद कुछ क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो नॉमिनेशन फॉर्म हमने फिल किया, जिसे भी खड़ा होना है इलेक्शंस में, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया, एंड उसके बाद ये हमारा इलेक्टोरल रोल दे रखा है, जिसको हमने क्या पढ़ा था. इलेक्टोरल रोल को हम और क्या कहते हैं, वोटर्स लिस्ट. ओके, अब देखते हैं इलेक्शन कैंपेन क्या होती है. जैसे जैसे इलेक्शंस पास आते हैं, हर पार्टी की इलेक्शन कैंपेन्स चालू हो जाती हैं ना, रैली जिसे हम कहते हैं, इलेक्शन रैली, वो सारी चालू हो जाती हैं. कोई किसी सिटी में कर रहा होता है, कोई किसी डिस्ट्रिक्ट में कर रहा होता है, एंड बेसिकली अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार. द मेन पर्पज ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल अ चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर. ठीक है, बेसिकली लोगों को क्या है, चुनने का मौका मिलता है
कि वो क्या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उसके बाद क्या उनकी गवर्नमेंट है एंड द पॉलिसीज दे प्रेफर. ओके, इसीलिए इट इज नेसेसरी टू हैव फ्रीडम एंड ओपन डिस्कशन अबाउट हु इज द बेटर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, क्या होना चाहिए? फ्री एंड ओपन डिस्कशन होना चाहिए. किस चीज के बारे में? कि कौन एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव है एंड विच पार्टी विल मेक अ बेटर गवर्नमेंट और व्हाट इज अ गुड पॉलिसी. तो लोगों के बीच में चर्चा चालू हो जाती है ना कि अरे आप बीजेपी को वोट दोगे या कांग्रेस को वोट दोगे, और अगर बीजेपी को वोट दोगे तो क्या रीजंस हैं, या फिर कांग्रेस को अगर आप वोट दे रहे हो तो उसके क्या रीजंस हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ इलेक्शन कैंपेन्स. फिर हमारी कंट्री में ऐसी कैंपेन्स कब होती हैं? टेक place for 2-week period between the announcement of the final list of candidates and the date of polling. मतलब for example हमारा 1st of January को अगर ये चीज़ ऐलान हो रही है कि हाँ भाई ये candidates हैं जो कि खड़े हो रहे हैं, तो 1st of January से 2 week तक, ठीक है, मतलब आप मान लीजिए 14th तक, फर्स्ट ऑफ जनवरी से 14th तक 2 weeks हमारे हो जाएंगे. एंड देन उसमें कैंडिडेट्स क्या करेंगे, उस उतने टाइम में इलेक्शन कैंपेन्स होगी बकायदा. ठीक है, उसके बाद पोलिंग की डेट आ जाएगी. ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स. तो इस टाइम पे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बकायदा अपने इलेक्शन कैंपेन्स चालू कर देते हैं, जनता को एड्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई यू नो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड यू जस्ट हैव टू वोट अस. दिस इज ऑल्सो द पीरियड व्हेन न्यूज़पेपर्स एंड टेलीविजन न्यूज आर फुल ऑफ इलेक्शन रिलेटेड स्टोरीज एंड डिबेट्स. होता है फिर अब तो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, वेरियस न्यूज़ चैनल्स, फेमस नेशनल न्यूज़ चैनल्स अपने एग्जिट पोल्स करवाते हैं कि वो उसमें ऐसे अनुमान लगाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी नहीं जीतेगी. बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दीज 2 weeks. पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस मंथ्स बिफोर दे एक्चुअली टेक प्लेस. अब 2024 में इलेक्शंस है तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी से अपना जो भी प्रिपरेशन है वो चालू कर दिया होगा, है ना, धीरे धीरे लोगों के मन में अपनी जगह बनाना, उसके साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसा करना, ये सारी चीज़ें वो लोग स्टार्ट कर देते हैं. ओके, यहाँ पे हमें फीचर्स जो है एक क्वेश्चन दिया है, मैच द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ आर इलेक्टोरल सिस्टम विद द प्रिंसिपल्स दे रिफ्लेक्ट. प्रिंसिपल है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का, ठीक है, इसका क्या है, एवरीवन हु इज 18 इयर्स और ऑफ एज और ओल्डर हैज द राइट टू वोट. सेकंड क्या है हमारा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, इसका क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द एससीज एंड दी एसटीज, ओपन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, वन कैन फॉर्म अ पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, वन वोट वन वैल्यू, ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज रफली द सेम पॉप्यूलेशन. ठीक है, इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज क्या फोकस करती हैं, पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज. ठीक है, कोई रिलीजियस मुद्दा उठाता है, कोई देश की जीडीपी का मुद्दा उठाता है, तो कोई ये बोलता है कि इतना खर्चा डिफेंस में करने की क्या जरूरत है, तो कोई ये एलिगेशंस लगाता है कि 20 साल से जो देश बिगड़ रहा था उसे हमने सुधारा है. तो ये सारी चीज़ें पार्टीज क्यों करती हैं, उनका मेन मोटिव बस इतना होता है कि मुझे कि हमें आप पॉलिटिकल वो रिक्वायर्ड पॉलिटिकल अटेंशन
दो और हम आपके बड़े इश्यूज को सॉल्व कर रहे हैं. दे वॉन्ट टू अट्रैक्ट द पब्लिक टू दैट इशू एंड गेट देम द वोट फॉर देयर पार्टी ऑन दैट बेसिस. ठीक है. अब जैसे कि इंदिरा गांधी जी ने क्या था, गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी का नारा जो था उसे उठाया था और उसी के बेसिस पे उन्होंने बहुत से वोट्स लिए थे. कब? इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1977. और पार्टी ने क्या प्रॉमिस किया था कि वो पूरी जो गरीबी है उसे इरेडिकेट करने में हेल्प करेंगे और ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे कि गरीबों का भला हो. अब वैसे ही सेव डेमोक्रेसी ये कौन लाया था, ये जनता दल लाई थी जो कि किसके नेतृत्व में थी, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जनता दल चला था. और आपको ये पता होना चाहिए कि जनता दल का पावर में आना एक बहुत ही लैंडमार्क इवेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में. और ये लैंडमार्क इवेंट क्यों था, क्योंकि अभी तक इंडिया भले ही मल्टी पार्टी सिस्टम थी, डेमोक्रेसी थी, पर सिर्फ कांग्रेस की सरकार चली आ रही थी. जब पहली बार जनता दल ने कांग्रेस को हरा के मतलब सत्ता में पाया, जनता दल ने विन किया, तो उसके बाद क्या इंडिया में एक ट्रू सेंस में मल्टी पार्टी सिस्टम स्टार्ट हो गया था. ठीक है. इस टाइम पे क्या प्रॉमिस किया था जनता दल ने, द पार्टी प्रॉमिस टू अंडू द एक्सेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एंड रिस्टोर सिविल लिबर्टीज. आपको पता होना चाहिए इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, है ना, अपने बचाव में जब उन पे फ्रॉडुलेंस का केस हो गया था, तो वो अपनी सत्ता से अपनी पोस्ट से ना जाए एज ए प्राइम मिनिस्टर, इसीलिए उन्होंने देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी थी, जिसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लोगों में ऐसे उनके टूवर्ड्स जो बिलीव था वो शैटर हो गया था और फिर जयप्रकाश जी पावर में आ गए थे. द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टिलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन 1977. उसके बाद प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये किसने नारा लगाया था, एन टी रामाराव ने, ठीक है, जो कि लीडर थे तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश में. तो एक डेमोक्रेसी में इट इज़ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट द इलेक्शंस एंड कैंपेन्स द वे दे वांटेड टू बी, ताकि वो अपने हिसाब से लोगों तक अपनी मन की बात रख सकें, राइट, कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे अब अगर हम उन्हें पावर में लाएं, और ताकि वो लोगों का कॉन्फिडेंस विन कर सकें, प्लस कैंडिडेट्स पर भी कोई प्रेशर ना हो, उनके पास भी ऑप्शंस हैं कि हाँ इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, फिर वो अच्छे से अपना डिसीजन बना सके. बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी, अब हमने बहुत फ्रीडम दे दी, तब भी बहुत बार ऐसा नेसेसरी होता है कि हम ये देखें कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को फ्री एंड इक्वल चांस मिल रहा है टू कम्पीट. आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन से पहले कुछ पॉलिटिकल लीडर्स पे बैन लगा देता है. ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया होता है अपनी स्पीचेस में जो कि डेरोगेटरी होता है, या फिर जो कि इतना लोग वेलकमिंग नहीं लोगों को लगता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू आर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए. क्या इलेक्शन लॉज के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी या कैंडिडेट घूस दे के या फिर डरा के वोटर्स को नहीं वोट ले सकता है? वो बात अलग है कि ये अभी भी चलता है, लोग शराब दे के, ठीक है, मोबाइल फोन्स दे के, एडवांस में लैपटॉप्स दे के, पैसे दे के वोट्स खरीदते हैं. अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, ठीक है, कि भाई हम हिंदू हैं तुम हमको वोट दो, या फिर हम मुस्लिम हैं हम सिर्फ मुस्लिमों का भला करेंगे तो तुम हमें वोट दो, इन सब के नाम में वो वोट नहीं ले सकते. यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इंदिरा गांधी जी पे जो मेन एलिगेशंस लगे थे वो इसी को लेके लगे थे कि उन्होंने यूपी गवर्नमेंट और जो जनता का पैसा था उसे यूज़ किया था अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में, और इसीलिए उन पर फ्रॉडलेंस का केस भी हुआ था जब उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उसके बाद. और ये पार्टी फंड में से पैसे खर्च होते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में, ना कि गवर्नमेंट देती है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है. उसके बाद 25 लाख से ज़्यादा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख से ज़्यादा इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन नहीं खर्च कर सकते. ठीक है. इफ दे डू सो, अगर उन्होंने ऊपर लिखी हुई किसी भी पॉइंट में से कुछ भी ऐसा किया और फॉलो नहीं किया
जो रूल्स एंड गाइडलाइंस है, तो उनके इलेक्शन कैंडिडेटचर को रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट। कभी कभी कैंडिडेटचर बहुत से लोगों का इलेक्शन से 2-3 दिन पहले कैंसिल भी कर दिया जाता है इन्हीं कारणों की वजह से। इन एडिशन टू द लॉ, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन आर कंट्री हैव अग्रीड टू द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन। ठीक है, एक जो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है जो सबको फॉलो करना चाहिए, वो हमारे बहुत सी पार्टीज ने अग्री कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी एंड कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपोगंडा। इसका मतलब कोई भी किसी भी मस्जिद में जाके इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकते, या फिर किसी मंदिर में जाके अरे अपने इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते। ओके, यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। वैसे अगर आप देखेंगे तो अगर योगी जी हैं तो वो गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट में फ्लाई करते हैं, बट अगर वो किसी इलेक्शन कैंपेन के लिए जाएंगे सो ही विल ट्राई टू यूज अ चॉपर और एन एयरक्राफ्ट दैट इज नॉट बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि वो जिस भी काम के लिए जा रहे हैं वहाँ पे इलेक्शन कैंपेनिंग में, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो उनकी पार्टी का काम है। ओके, वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। अब जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो रहा है, राइट, तो बीजेपी गवर्नमेंट अपने इलेक्शंस से जस्ट पहले 2024 के कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ा ऐसे पॉलिसी या फिर कुछ भी ऐसा नहीं स्टार्ट कर सकती। तो ये सारे गाइडलाइंस हमें पता होने चाहिए। नाउ वी विल कम टू पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स। पोलिंग एंड काउंटिंग वोट्स, ठीक है, कि किस तरह से पोल होता है, किस तरह से वोट्स काउंट होते हैं। जो फाइनल स्टेज होता है इलेक्शन का, वो होता है व्हेन वोटर्स कास्ट और पोल देयर वोट, मतलब जब हम वोट देने जाते हैं वो होता है फाइनल डे। दैट डे इज यूजुअली कॉल्ड व्हाट? इट्स कॉल्ड द इलेक्शन डे। एवरी पर्सन हुज नेम इज ऑन द वोटर्स लिस्ट और द इलेक्टोरल रोल कैन गो टू द नियर बाय पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ क्या होता है? जहाँ पे वोट्स कास्ट होते हैं। अब आपने देखा होगा आपके घर के पास कोई स्कूल होगा या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट प्लेस या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जहाँ पे वोट्स कास्ट हो रहे होंगे, ठीक है, एक लोकल स्कूल या फिर गवर्नमेंट ऑफिस। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर एंड अलाउ हर टू कास्ट द वोट। तो जो अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाओगे वो चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी उंगली पे एक इंक का निशान लगाएंगे और आप जाके अपना वोट कास्ट कर सकती हैं। An agent of each candidate is allowed to sit inside the polling booth and ensure that the voting takes place in a fair way. तो हर candidate के एक agent polling booth के अंदर बैठे रहेंगे और ये देखेंगे कि भाई elections जो हो रहे हैं वो सही से हो। Okay. पहले जो elections हुआ करते थे, earlier the voters used to indicate who they wanted to vote for by putting a stamp on the ballot paper. Ballot paper हुआ करता था, उस पर जो हमारे voters होते थे वो stamp लगाते थे and then paper ऐसे fold करके और ballot paper में डाल दिया करते, box में डाल दिया करते थे। A ballot paper is a sheet of paper on which the names of the candidates contesting along with the party name and symbols are listed. ये important है, आपसे पूछ सकते हैं what is a ballot paper. तो ballot paper is a sheet of paper on which the candidates who are contesting in the elections along with their party's name and symbol is printed. Nowadays what do we use? We use EVM, electronic voting machine. और आपने देखा होगा बहुत सी parties जब हार जाती हैं तो EVM पे ही question करने लगती है कि EVM खराब है, वोट चाहे किसी भी पार्टी को दो, वोट एक पर्टिकुलर पार्टी को ही जा रहा था और इस सब चीज़ें बकवास claims. तो nowadays EVM हम use करते हैं और उसमें हमारे votes जो होते हैं वो record होते हैं। The machine shows the names of the candidates and the party symbols. Independent candidates to have their symbols allotted by the election commission. अब आपने देखा होगा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए ना, जिस दिन वोटिंग
काउंट हो रही होती है, उस दिन कॉर्नर में एक लाइन होती है निर्दलीय की, ठीक है। वो कौन होते हैं? निर्दलीय जो लोग होते हैं वो लोग किसी पार्टी के नहीं होते, वो लोग इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं। ऑल दैट दी वोटर्स हैज टू डू इज टू प्रेस बटन अगेंस्ट दी नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वॉन्ट्स टू गिव हर वोट। अब ईवीएम में आपने देखा होगा ऐसे होता है ईवीएम, और ऐसे हमारे ये हाथ है, बहुत ही गंदा हाथ बन गया, ये कमल है और झाड़ू बना देते हैं, एक ये झाड़ू है ऐसे बना रहते हैं और हम जाके प्रेस कर देते हैं, तो ऐसा होता है ईवीएम। ये बहुत ही घटिया ईवीएम है, बट आप जाके गूगल पे देख सकते हैं। वंस द पोलिंग इज ओवर सारे ईवीएम को तुरंत वहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो सील कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? टू अ सिक्योर प्लेस। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स्ड डेट सारे ईवीएम को कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो आए हैं उन्हें खोला जाता है और वोट्स को काउंट किया जाता है जो हर एक कैंडिडेट ने सिक्योर किया। उसके बाद जो एजेंट्स होते हैं हर कैंडिडेट के वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं ताकि वो ये भी देखें कि काउंटिंग जो हो रही है वो भी प्रॉपर है। तो एजेंट्स के दो रोल हो गए, जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन वो वहाँ रहते हैं ताकि देखें कि वोट्स फेयर तरीके से कास्ट हो रहे हैं, और जिस दिन काउंटिंग होती है उस टाइम भी वो वहाँ रहते हैं ताकि वो देखें कि वोट्स फेयर तरीके से कास्ट हो रहे हैं। द कैंडिडेट हु सिक्योर्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसे हम इलेक्टेड मान लेते हैं, ठीक है। फिर जनरल इलेक्शन में क्या होता है? यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज टेक प्लेस ऑन द सेम डे, और इस टाइम पे टेलीविजन हो गया हमारा, टीवी चैनल्स हैं, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स है, सब पे ये इवेंट जो होता है वो चलता रहता है। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द काउंटिंग सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमारी नई गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में इलेक्शंस जो हैं उसे क्या है ऐसा फीचर जो कि उसे डेमोक्रेटिक बनाता है, ठीक है। इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड इंक्लूड वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, ठीक है। आए दिन हमें कुछ ना कुछ खबर आ जाती है कि चुनाव में किसी गलत तरीके से जीता किसी ने चुनाव या जो भी ऐसा है, तो ऐसे क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे कि गलत नेम यूज कर लिया, ठीक है, एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम इन द वोटर्स लिस्ट, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी, राइट, कि वो गवर्नमेंट के ही पैसों पे, जैसे मैंने आपको इंदिरा गांधी जी का एग्जांपल दिया था, एक्सेसिव यूज ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज, जो बड़ी पार्टीज हैं उनका बहुत पैसा खर्च हो जाता है इलेक्शन रैलीज में, कभी कभी तो 100 करोड़ के रेंज में उनका बजट पहुंच जाता है। उसके बाद डरा धमका के वोटर्स को लाना वोटिंग डे पे और फिर वोट करवाना ज़बरदस्ती, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सही होती हैं और हमें बुरा लगता है जब हम ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, बट सबसे अच्छी बात क्या है कि दे आर नॉट ऑन अ सच स्केल कि ये इलेक्शन का जो मेन मोटिव है उसे हटा सके, ठीक है। ये होती हैं चीज़ें बट काफ़ी कम ऐसे स्केल पे होती हैं। इससे क्लियर क्या हो जाता है दैट एक बेसिक क्वेश्चन अगर हम पूछें दैट कैन अ पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। अब देखिए अगर ये बहुत कम लेवल पे इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो एक पार्टी ऑब्वियसली रूल नहीं कर सकती है अगर वो पॉपुलर नहीं है तो, ठीक है। अब हम आते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन पे, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन क्या होता है। अब इंडिया में जो भी इलेक्शन का काम धाम होता है या जो भी कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन को वो है हमारे इलेक्शन कमीशन, ओके। जितने भी यहाँ पे ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं इनका सबसे सही और बेस्ट आंसर क्या है? द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर आवर कंट्री। इन आवर कंट्री इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल ईसी या फिर इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जो क्या एंजॉय करती है, इंडिपेंडेंस एंजॉय करती है उसी तरह का जिस तरह का जुडिशरी एंजॉय करती है इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, सीईसी, उन्हें कौन अपॉइंट करता है, उन्हें हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती हैं।
But once appointed, the chief election commissioner is not answerable to the president or the government. ठीक है, president appoint भले करते हैं, but एक बार जब वो appoint हो जाते हैं, उसके बाद जो election commissioner हैं, वो answerable नहीं है हमारे कमिश्नर, हमारे प्रेसिडेंट को, या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को, या फिर गवर्नमेंट को. इवन इफ द रूलिंग पार्टी और द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट द कमीशन डज, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इट टू रिमूव द सीईसी. अब अगर फॉर एग्जांपल बीजेपी गवर्नमेंट हमारी रूलिंग पार्टी है फिलहाल, ठीक है, तो अब जो इलेक्शन कमिश्नर हमारे चूज होंगे, जिन्हें हमारी राष्ट्रपति मिस द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी, तो अगर उन्होंने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो कि बीजेपी को नहीं पसंद आता है, तो उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रोल्स अब काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुके हैं. ठीक है, वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन्स इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर्स एंड इलेक्शन एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इसका मतलब जो इंडिया का इलेक्शन कमीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ईसी अपना डिसीजन लेती है हर एस्पेक्ट पे ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, किस तरह से होंगे, किस तरह का कंट्रोल होगा, अनाउंसमेंट से डिक्लेरेशन तक कि भाई इस तारीख को इलेक्शंस है और इस तारीख को हमारा पोल का रिजल्ट आएगा. इस पूरे प्रोसेस के बीच में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ईसी. ठीक है, वो इम्प्लीमेंट करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट को और पनिश करते हैं अगर कोई भी कैंडिडेट वायलेट करता है रूल्स को. ठीक है, ईसी जैसे बहुत बार, अभी आप धीरे धीरे इलेक्शन आने दीजिए, ईसी बहुत न्यूज़ में फैल जाएगा कि ईसी ने इस कैंडिडेट को बैन कर दिया, ईसी ने उस कैंडिडेट को बैन कर दिया. ठीक है, उसके बाद इलेक्शन पीरियड के टाइम पे ईसी ऑर्डर कर सकती है गवर्नमेंट को क्या फॉलो करने को, कुछ ऐसी गाइडलाइंस ताकि वो प्रिवेंट कर सके यूज एंड मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर. ठीक है, ताकि इन्हांस हो सके चांसेस टू विन इलेक्शंस फेयरली और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल. ओके, उसके बाद व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो इलेक्शन वाले दिन गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो ईसी इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे होते हैं. तो वो ऑर्डर्स किसके फॉलो करेंगे? ईसी के, और ना कि गवर्नमेंट के. उसके बाद पिछले 25 सालों में इलेक्शन कमीशन ने अपना एक्सरसाइज और एक्सपेंशन जो है वो एक्सरसाइज करना, अपनी पावर्स कर अपना एक्सपेंशन चालू कर दिया है. बहुत कॉमन है अब तो ईसी को रेप्रिमेंड करना गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को उसके लैप्सेस की वजह से. उसके बाद जो इलेक्शंस, जो हमारे इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, कम टू द ओपिनियन दैट पोलिंग वॉज नॉट फेयर इन सम बूथ्स और इवन एन एंटायर कॉन्स्टिट्यूएंसी, दे ऑर्डर अ रीपोल. ठीक है, वो बोलते हैं अगर उन्हें लगता है कि यहाँ पे जो वोट्स हैं वो सही तरीके से नहीं डले हैं, कुछ तो गड़बड़ है या जो भी है, तो फिर वो बोल देंगे कि भाई फिर से यहाँ पे वोटिंग होगी, वील हैव अ रीपोल. उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है वो रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक कि ईसी ने क्या किया, बट दे हैव टू ओबे क्योंकि उनकी मजबूरी है. दे वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द ईसी वाज नॉट इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल. ओके, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि हमारे ईसी का क्या रोल होता है. अब अगर हम बात करें हमारे पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, तो एक और तरीका चेक करने का क्वालिटी ऑफ इलेक्शन प्रोसेस क्या है, कि वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुजियाज्म. क्या हमारे आगे इलेक्शंस इतने अच्छे होते हैं कि उसमें लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करें? ठीक है, अगर इलेक्शन प्रोसेस फ्री नहीं होगा और फेयर नहीं होगा, तो ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे अपने वोट देने. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे चार्ट दिए हैं 1991 और 2015 में वोटर्स टर्न आउट. तो 1991 में इंडिया में 56 से 58, 62, 60 और उसके बाद 66% वोटर टर्नआउट है. जबकि अगर हम देखें तो यूएसए में शायद एक साल में काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है जो वोटर्स टर्नआउट है इन कंपैरिजन टू यूएसए, नहीं यूके, इन यूके में काफ़ी डिक्लाइन हो रहा है इन कंपैरिजन टू इंडिया. जो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है इलेक्शन में इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर्स टर्नआउट फिगर. ठीक है, कितने वोटर्स एक्चुअली में आ रहे हैं वोट देने.
टर्नआउट क्या इंडिकेट करता है कि कितने एलिजिबल वोटर्स हैं और कितनों ने असली में वोट कास्ट किया। फॉर एग्जाम्पल 100 एलिजिबल वोटर्स हैं और सिर्फ 40 ने ही वोट कास्ट किया, तो 40% हमारा वोटर्स टर्नआउट हुआ, ठीक है। उसके बाद लास्ट 50 ईयर्स में टर्नआउट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी गिरा है इन कंपैरिजन टू इंडिया, जहाँ पे काफ़ी स्टेबल है और थोड़ा बहुत ऊपर भी गया है हमारा वोटर्स टर्नआउट। सेकंड, इंडिया में क्या है, जो गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं और अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, वोट इन लार्जर पोर्शन एज कम्पेयर टू रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बट बहुत ज़्यादा ऐसी बात है कि जो लोग गरीब हैं, जिन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं है, वो अपनी जिम्मेदारी से वोट दे रहे हैं, बट जो लोग अमीर हैं, पढ़े लिखे हैं, वो वोटिंग डे को छुट्टी कंसिडर करते हैं और वो वोट तक नहीं देने जाते, ठीक है। ये वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के कंपैरिजन में काफ़ी कॉन्ट्रास्ट में है, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन लोग हैं इंडिया में, बहुत सारा उनका इम्पोर्टेंस होता है इलेक्शन के कंपैरिजन में। उन्हें लगता है दैट थ्रू इलेक्शंस वो क्या ला सकते हैं, प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स जो कि वो चाहते हैं, ठीक है। जो आम आदमी है वो क्या क्रिएट, अब प्रेशर क्रिएट करने का टाइम धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि 2024 में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो वो हम पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो पॉलिसीज बनाए जो हम चाहते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि उनका वोट मैटर करता है इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। उसके बाद द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स एक इलेक्शन में इज रिलेटेड एक्टिविटीज हैज़ बिकम इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, ठीक है। 2004 में इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज, उसके बाद मोर देन हाफ ऑफ द पीपल आइडेंटिफाइड देमसेल्व्स एज बीइंग क्लोज टू वन और द अदर पार्टी, ठीक है। 1 out of 7 वोटर्स इज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। अब देखिए हमारा आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम, ठीक है, कि किस तरह से हम एक्सेप्ट करते हैं इलेक्शंस के आउटकम को। एक फाइनल टेस्ट होता है फॉर द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ द इलेक्शंस हैज इन द आउटकम इटसेल्फ। इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल, जो पावरफुल है हमेशा आउटकम उसे ही फेवर करेगा। ऐसी सिचुएशन में जो रूलिंग पार्टीज हैं डू नॉट लूज द इलेक्शन, ठीक है। मोस्टली रूलिंग पार्टीज इलेक्शंस नहीं लूज करती हैं। यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिजिड इलेक्शंस, जो हार रही होती है ना, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें ही होती है कि ईवीएम खराब है, वोट हमें दिया, वोट किसी और को चला गया, या फिर वोटर्स खरीदे हुए थे, या फिर जाति के आधार पर राजनीति हुई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो रूलिंग पार्टीज रूटीनली रूल इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। इन फैक्ट एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस हेल्ड इन लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी हैज़ लॉस्ट। ओके, यूएस में एन इनक्यूम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेयरली लूजेस एन इलेक्शन, ठीक है। वैसे इंडिया में हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज अपने इलेक्शन मतलब हार जाते हैं। कैंडिडेट जो कि जाने जाते हैं, वो हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन द बाइंग वोट्स, वोट्स खरीदने में, एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शन, जबकि ऐसा लिखा है बस होता नहीं है। बहुत सारे ऐसे हमारे पार्टी मेंबर्स हैं जो कि बकायदा उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बट स्टिल दे आर इन पावर। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस, द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेबल एज पीपल्स वर्डिक्ट, ठीक है, जनता का मत डिफीटेड पार्टी के पे, ठीक है। अगर अभी इलेक्शन हो जाएंगे और जो लूजिंग पार्टी होगी, अगर आप जाके इंडियन न्यूज़ चैनल्स में उसके डिबेट सुनेंगे, सो मेजॉरिटी जो पार्टी प्रवक्ता होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जनता का मत था, हमने स्वीकार कर लिया, हम अपनी कमियों पे काम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके ओके, अब आता है हमारा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ठीक है, कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में भाई हमारे चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। जैसे जैसे ये चीज़ चलती है, एक सिंपल कंक्लूजन आता है कि इलेक्शन इन इंडिया क्या है, फ्री और फेयर है। जो पार्टी जीतती है एन इलेक्शन एंड फॉर्म्स गवर्नमेंट डज सो बिकॉज लोगों ने उसे चुना है उस पार्टी के राइवल्स के कंपैरिजन में, ठीक है।
ऐसा ट्रू नहीं है, पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बहुत सारे ऐसे हमारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बेसिकली सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे और पावर के दम पे ही जीतते हैं. बट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पॉपुलर प्रेफरेंस. बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शंस हैं जैसे 60 साल में. उसके बाद अगर हम बात करें कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस. क्योंकि इतना पैसा नहीं होता जो लोग स्मॉल पार्टीज एंड इंडिपेंडेंस हैं, बट जो बड़ी पार्टीज हैं उनका तो फंड ही हजारों करोड़ों में होता है, तो उनके लिए ईजी होता है इलेक्शन कैंपेन्स वगैरह करना. उसके बाद सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट जो क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं वो भी एक दूसरे को मतलब निकालने में हेल्प कर देते हैं इलेक्टोरल रेस में और सिक्योर कराने में टिकट एक बड़ी पार्टी से. ठीक है, और अगर आप यूपी की पॉलिटिक्स से अफेयर हैं, अगर आप यूपी के पॉलिटिक्स से अवेयर हैं और बिहार की पॉलिटिक्स से, तो ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले कैंडिडेट का चिट्ठा आपको पता होगा. उसके बाद बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि डोमिनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है, टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, परिवारवाद हिंदी में. उसके बाद वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू जो नॉर्मल सिटीजंस हैं, फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. उसके बाद हमारा स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज सफर करते हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं होता ना. अगर वो कितना भी अच्छा करना चाहें देश के लिए इलेक्शंस में खड़े होके, पर जब तक वो किसी मेजर बड़ी पार्टी से अफिलिएट नहीं करते उनके पास इतना पैसा नहीं होता, और यही उनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है. ओके, ये सारे चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में नहीं बल्कि बहुत सारी बड़ी डेमोक्रेसीज में भी. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यूएस में जो इलेक्शंस होते हैं बहुत ही फ्री एंड फेयर होते हैं या फिर यूके में. These deeper issues are a matter of concern for those who believe in democracy. उसके बाद इसीलिए citizen social activist organizations हमेशा demand करते रहते हैं हमारे electoral system को बदलने में. Okay? अब ये हमारे कुछ important words, ये तो हमारी glossary आ गई. And with this we have completed our chapter the electoral politics. So I hope आपको ये video पसंद आई होगी and thank you for watching. ऑल्सो लेट मी इन्फॉर्म यू, इससे पहले हम दो वीडियोज़ में इस चैप्टर को दो पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब पढ़ा चुके हैं लेक्चर में. ये हमारा पार्ट सी था. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.